सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आग सोने को परखती है और मुश्किल समय इंसान को। गलती तो हर कोई ढूंढ लेता है पर गुड़ ढूंढने का ढंग किसी किसी में होता है। वक्त की कदर करो वरना वक्त एक दिन तुम्हारी कदर करनी छोड़ देगा। घड़ी को देखने की बजाय वो करो जो घड़ी करती है, चलते रहो। खुशियाँ बांटने से कभी कम नहीं होती। आज का पंचांग 23 मई 2023 दिन मंगलवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रात्रि 12:58 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आत्रा नामक नक्षत्र दोपहर 12:38 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वशु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:36 से 5:17 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:49 से 12:42 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। वरद चतुर्थी की शुभकामनाएं। मकर राशि 23 मई 2023 दिन मंगलवार, बातचीत करना अभी महत्वपूर्ण है। मैसेज फोन या ईमेल के माध्यम से अपने से छोटों से बातचीत हो सकती है। नए अवसर आपके इंतजार कर रहे हैं। यात्रा का भी योग है, खुद पर विश्वास रखें और अपने दिमाग के रचनात्मक विचारों को शेयर करें। आज अपने आवेगों पर कम नियंत्रण के कारण आप उदास महसूस कर सकते हैं। आपको केवल अपने लिए कुछ समय चाहिए ताकि आप सोच सके और समस्याओं को हल कर सकें। अपने पिछली सफलताओं को उपलब्धियों के बारे में विचार करें और इन समस्याओं से निकलने का रास्ता आप स्वयं ही बना लेंगी। दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी लेकिन किसी भी काम को सोच विचार कर ही करें। ज्यादा भावुकता से काम बिगड़ सकता है। युवा वर्ग अपनी उच्च शिक्षा को लेकर ज्यादा गंभीर और सजग रहेंगी। लोगों के लिए नाराजगी न रखें। दूसरों के बर्ताव को बदला नहीं जा सकता लेकिन यदि आप अपने ही विचारों में बदलाव करते हैं तो तकलीफों से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। आर्थिक समस्या दूर करने के लिए सही रास्ता मिल सकता है। पैसों का इस्तेमाल ठीक से करें, सतर्कता रखें। स्टॉक मार्केट से संबंधित लोगों को अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन से बड़ा प्राप्त हो सकता है यदि किसी व्यक्ति को प्रपोजल मिला है तो उस पर ध्यान जरूर दें। सावधानियां, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। साथ ही पारिवारिक व्यवस्था बनाए रखने में कड़े नियम आपको मुश्किल में डाल सकते हैं। किसी मित्र की बातों में आकर निवेश ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक वातावरण मधुर रहेगा, प्रिय मित्रों से मुलाकात भी हो सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। अगर आप पुरुष हैं तो किसी खास महिला से मुलाकात की भी संभावना है। आप यह बात अच्छे से जानते हैं कि अपने साथी का हाथ थाम कर सारा जहां जीत सकते हैं। आपकी भावनाएं आज आप पर हावी होगी जिससे कुछ उदासीन महसूस करेंगी। कुछ समय अपने और अपने साथी के बीच की गलत फहमियों को दूर करने में व्यतीत करें। यह समय मुश्किल जरूर है किंतु समय हमेशा एक सा नहीं रहता। बात करते हैं करियर की। व्यावसायिक परेशानी को लाभ में परिवर्तित करने के लिए आपको अगर आज छोटी यात्रा करनी पड़े तो पीछे ना हटें। कला से संबंधित क्षेत्र में भी आपको तरक्की की संभावना है, जैसे नृत्य या संगीत। उन्नति के लिए भाई बहनों या सहकार्यकर्ता की मदद लेनी पड़ सकती है। यह दिन आपके लिए कुछ खास लेकर आया है। आज आप जीवन में उतार और चढ़ाव दोनों महसूस करेंगी। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको अपनी नीतियों और सौदों को फिर से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। नौकरी में किसी अप्रत्याशित घटना की संभावना है। मौके का फायदा उठाएं और एक समय में एक ही कार्य करें। बात करते हैं सेहत की। पेट दर्द आदि समस्या बढ़ सकती है, योग और मेडिटेशन जरूर करें। गर्मी के कारण आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। लो बीपी और शुगर की तकलीफ दूर करने के लिए डॉक्टर से सलाह जरूर लें। आज का उपाय, हनुमान भगवान जी की पूजा करें
और हनुमान चालीसा का पाठ करें शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।